पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रिश्वत लेते लोग आपने देखे होंगे, लेकिन कैमरे में एक ऐसा सरकारी नौकर लुटेरा कैद हुआ है जिसने शोर शराबा होने के बाद ली हुई रिश्वत वापस कर दी। चकबंदी महकमे में सीओ के पेशकार का रिश्वत वापस करने का कारनामा कैमरे में कैद हुआ है। बात यही खत्म नहीं हुई। बसंतपुर गांव के पीड़ित ने उससे 1,10,000 की रिश्वत लेकर जमीन संक्रमणीय न करने का आरोप लगाते हुए सीओ चकबंदी ऑफिस में ही आत्महत्या की चेतावनी दे दी। आपको बता दें कि मामला बड़े भ्रष्ट आचरण का है, जिसमें जमीन को संक्रमणीय करने और चकबंदी के नाम पर गैर कृषि की जमीन पर पत्ते काटने को आकर अवैध वसूली का है। पूरा मामला बड़े भ्रष्टाचार से जुड़ा गुन्नौर तहसील स्थित चकबंदी ऑफिस का है, जहां रोज की तरह तमाम लोग आज भी पहुंचे। इस बीच गांव बसंतपुर का मुकेश नामक युवक जमीन संक्रमणीय के नाम पर महकमे के सीओ और पेशकार पर उसकी मफरत 1,10,000 लेकर भी काम न करने का आरोप लगाने लगा। ग्रामीण का साफ कहना था कि तमाम गांव से इस महकमे ने उसके मफरत रुपए ले लिए, अब ना तो कोई काम कर रहे हैं और ना रुपए ही वापस कर रहे हैं। रोने पर उतारू ग्रामीण ने अपनी मजबूरी बताई कि पूरा गांव उसके ऊपर चढ़ रहा है, यदि उसे रुपया वापस नहीं मिला तो वह इस ऑफिस में ही आत्महत्या कर लेगा। शोर शराबा होने के बाद सीओ का पेशकार ऑफिस से बाहर आया और इस गांव के ही मुकेश को उसने रिश्वतखोरी के लिए 1,10,000 रुपए वापस कर दिए। रिश्वतखोरी कर रुपए वापस देने का लुटेरा पेशकार का ये खेल कैमरे में कैद हुआ है, लेकिन पेशकार कैमरे के सामने अपनी सफाई देने की जगह भाग गया। एसडीएम ओमवीर सिंह ने इस मामले की जांच की बात कही है। उधर सीओ विजय शंकर सिंह भी जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं, परंतु यदि भुक्त भोगियों की माने तो रिश्वतखोरी में सीधे सीओ भी आरोपी है। रिश्वत लेकर वापस देने की ये तस्वीरें भले ही कैमरे में कैद हुई हों, परंतु जांच के नाम पर बचने का खेल क्या इस मामले में चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे इन दिनों बेईमानी कर प्रदेश की योगी सरकार को गुमराह करने की इन दिनों संबल में प्रथा चल रही है। करीब 3 महीने पहले भी चकबंदी के एक लेखपाल का रुपए लेते वीडियो वायरल हुआ था। महकमे ने ना तो आज तक कोई कार्रवाई कराई गई और ना ही ये बात बताई, और उसे क्लीन चिट देने की लेखपाल खुद को एक्समैन बता अपना जलवा बताता रहा। भूषण का कहाँ रहते हो? हिमालपुर टांडा। क्या मामला था जी? आपको पैसे वापस किए थे चकबंदी विभाग का कौन अधिकारी? क्या है पूरा मामला? सीओ साहब हैं और पेशकार साहब। किसने पैसे वापस किए? क्या था मामला? आज चार्ज करने गए, 1,200 रुपये वापस करेंगे। किसने? पेशकार ने। तो कब पैसे लिए थे, वापस क्यों किए इन्होंने, काय के पैसे थे ये? ये उसके संक्रमणी के पैसे थे। संक्रमणी होने के? हाँ जी। मतलब रिश्वत है ये? हाँ जी। तो आप कार्रवाई करेंगे इस संबंध में, किसी से कुछ करेंगे? ये बताओ किसका संक्रमणी होना था? जमीन का था जी। अभी मेरी जानकारी में नहीं आया है, आप लोगों ने बताया है, कोई पीड़ित भी मेरे पास नहीं आया है। और क्योंकि मामला चकबंदी का है तो जो विभागीय कार्रवाई होगी चकबंदी की से होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे प्रार्थना पत्र देता है तो फिर उसके कार्रवाई की जाए। सर वो पैसा देते हुए कैमरे में कैद हुए हैं? हाँ, तो वो देखे जाएंगे, सभी साक्ष्य देखे जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।